नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड और नई वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल रन में ही नया रिकॉर्ड बनाया है। ट्रेन ने 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी है। रफ्तार के मामले में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ दिया है। ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच 492 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे 10 मिनट का समय लगा। जल्द ही इस ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाया जा सकता है। तीसरी और नई वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल के दौरान सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ते हुए बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुलेट ट्रेन इस स्पीड को हासिल करने में 54.6 सेकंड का टाइम लेती है। नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। रेलवे ने अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल सकती है और इसी महीने आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। दरअसल नई वंदे भारत ट्रेन का बीते शुक्रवार को अहमदाबाद मुंबई के बीच ट्रायल किया गया था। ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच 492 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे 10 मिनट का वक्त लगा। शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल पहुंचने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। अहमदाबाद से सुबह 7 बजे यह ट्रेन रवाना हुई और सूरत मात्र 2 घंटे 32 मिनट में पहुंच गई, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस को 3 घंटे लगते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई ट्रेन 130 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि पुरानी वर्जन वाली ट्रेन को यह स्पीड पाने में 146 सेकंड का समय लगता था। उन्होंने आगे कहा, रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत ट्रेन का अक्टूबर से नियमित उत्पादन शुरू कर हर माह 2 से 3 ट्रेन तैयार किए जाएं, जिन्हें आगामी माह में बढ़ाकर 5 से 8 किया जाएगा। इस नई ट्रेन में सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और यह कमर्शियल रूप से चलने के लिए तैयार है। वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा कि नई ट्रेन में कई एडवांस सिस्टम हैं। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन के वजन में भी 38 टन की कमी आ गई है, जिससे यह और तेज चल सकती है। नई वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, GPS आधारित सूचना सिस्टम, CCTV कैमरे समेत कई सुविधाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फोटो कैटलिटिक एयर प्यूरीफायर सिस्टम नई वंदे भारत ट्रेन को कोरोना सहित हवा से फैलने वाली तमाम बीमारियों से मुक्त रखेगा। वैष्णव ने कहा, हम इसका श्रृंखलाबद्ध तरीके से उत्पादन शुरू करेंगे। परीक्षण पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर से शुरू कर हम नियमित उत्पादन प्रारंभ कर सकेंगे। इसके तहत हर महीने 2 से 3 ट्रेन का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद इस क्षमता को बढ़ाकर 5 से 8 ट्रेन प्रतिमाह उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ट्रेनों का उत्पादन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।